नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आरती। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ को लेकर सुर्खियों में रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को नए घर में प्रवेश कर लिया। अखिलेश ने पूजा पाठ के साथ गृह प्रवेश किया और ट्विटर पर दो तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके अलावा अखिलेश ने नए घर की और कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की। खबरों की माने तो अखिलेश यादव अपने सरकारी बंगले में हुई तोड़फोड़ के मामले को तूल दिए जाने से बेहद नाराज हैं। समाजवादी बबुआ को इस बात से नाराजगी है कि मीडिया ने उनके घर में हुई तोड़फोड़ को मीडिया की सुर्खियां बना दिया। यही वजह है कि इस बार उन्होंने अपने घर में मीडिया की एंट्री को ही बैन कर दिया है। अखिलेश ने लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर अंसल टाउनशिप के एक विला में शिफ्ट किया है। नए घर में शिफ्ट करने के बाद अखिलेश ईद की मुबारकबाद देने ईदगाह की मस्जिद भी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब नए घर में किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। उन्होंने कहा कि वो मीडिया से बहुत सतर्क होकर चलते हैं। मीडिया पर तंज करते हुए अखिलेश ने ये भी कहा कि आप लोग कहते कुछ और दिखाते कुछ और ही हैं। बहरहाल जो भी हो, ये तो आजकल के हर नेता का ट्रेंड बन गया है कि जो खबर उनके फेवर में नहीं होती उसका ठीकरा वो मीडिया के सर ही फोड़ देते हैं। मीडिया ने तो वही दिखाया जो सरकारी बंगले में हुआ था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।